हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिनोलॉजी के बारे में कि सिनोलॉजी है क्या, इसका क्या यूज़ है और क्यों इतनी कॉस्टली है, क्या इसके और कोई अल्टरनेटिव है और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सिनोलॉजी है क्या। सिनोलॉजी एक ब्रांड है वैसे तो, और इंडिया में इसके मोस्टली NAS के प्रोडक्ट है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो NAS के फुल फॉर्म होते हैं नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, जो कि एक नेटवर्क स्टोरेज है। आप उसमें हार्ड डिस्क लगाओ और वो आप शेयर कर सकते हो अपने लोकल नेटवर्क या वर्ल्ड वाइड भी। तो ये तो आपके होगी NAS की। NAS का यूज़ क्या है? NAS का यूज़ है कि जब भी आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो किसी हार्ड डिस्क का, तो NAS ही एक सॉल्यूशन है। बाकी दूसरा कि आप इसको बैकअप के लिए भी यूज़ करते हो, आप इसको मीडिया सेंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी लोकली ऑर्गेनाइज मीडिया है, जैसे आपकी पुरानी लाइक वीडियोस होंगी या आपकी मूवीज होंगी, तो उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन में रखकर आप डिफरेंट डिवाइसेस पे आप स्ट्रीम कर सकते हो। तो इस तरह के यूज़ जब आपको आते हैं, जैसे आपको फ़ोटो की कलेक्शन आपको मेंटेन करनी है, या आपको ऑडियो की कलेक्शन या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ज़रूरी, उन सबको आपको मेंटेन करना हो, तो उसके लिए यूज़ होती हैं। और बाकी जो बहुत अच्छा यूज़ है, जो सिनोलॉजी एक्चुअली प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पे पड़ी हुई है, और जैसे आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव यूज़ करते हो, तो उसी तरह से आप इसको बाहर भी कहीं पे से भी, मतलब 4G के थ्रू या किसी और के नेटवर्क के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात कि NAS होता क्या है। तो क्या इसकी कॉस्ट, कम से कम सिनोलॉजी NAS अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी हो, तो एक तो ये बिना हार्ड डिस्क के आती है, तो कम से कम इसका वेरिएंट 15-16 हज़ार का आता है, और उसके ऊपर जो हार्ड डिस्क लगती है वो भी एंटरप्राइज लेवल की लगती है। तो आपको कम से कम ये 25-27 हज़ार का 1 TB या 2 TB के साथ तो ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, इससे कम का आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो काफ़ी कॉस्टली है। बाकी उसके बाद आप कॉस्ट बढ़ाओ, मॉडल बढ़ाओ, तो उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। बाकी जो अगली चीज़ है कि इसको, इसके कोई अल्टरनेटिव है मार्केट में? अल्टरनेटिव बिल्कुल हैं इसके। टेरा मास्टर और एक और ब्रांड है, डिस्नोलॉजी पता नहीं ऐसे कुछ करके एक ब्रांड है, मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो ये 2-3 ब्रांड है इसके जो अवेलेबल हैं सिनोलॉजी के अगेंस्ट, और उसका एक्चुअली हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन भी जा रहा है। तो जैसे सिनोलॉजी जो आप लोगे 2 हार्ड डिस्क सपोर्ट के साथ, वो उसकी कॉस्ट आती है 22,000 की, जिसमें 512 GB रैम है, और पर दूसरे में आपको 1 GB या 2 GB का भी वेरिएंट मिल जाएगा विद इन दैट प्राइस रेंज, और उसके हार्ड डिस्क तो आपको अलग लेनी पड़ेगी हर एक के केस में। तो अवेलेबल है, बट बात क्या है कि जो इसका सेलिंग पॉइंट रहता है सिनोलॉजी का, कि इनकी जो ऐप्स है वो बहुत मेंटेन करते हैं और ईजिली कन्फिगरेबल है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। अब इसका एक्चुअल यूज़ केस क्या बना, मैंने क्यों लिया? मेरे पास एक्चुअली मेरे पास क्या था कि मैंने राउटर ले रखा था पहले, R6400V2 करके एक ब्रांड मतलब मॉडल था, उसमें USB पोर्ट था, तो उसमें मैं हार्ड डिस्क लगाकर उसको यूज़ करना चाहता था और NAS की तरह यूज़ करना चाहता था। उस टाइम वो 6-7 हज़ार का पड़ा था मेरे को, और हार्ड डिस्क मेरे पास थी, तो आउट ऑफ द बॉक्स चला, बहुत अच्छा चला, कंसिस्टेंसी थी, कोई बफरिंग नहीं आई मेरे को, मैंने उसमें वीडियोज़ देखी, मैंने डॉक्यूमेंट के फोल्डर बनाए, इवन मैं आज भी उसको यूज़ करता हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ फेस आने लगी कि उनकी एक सर्विस थी रेडी क्लाउड करके नेटगेयर वालों की, जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी आफ्टर 2 ईयर्स। तो WD इसके लिए काफ़ी बदनाम है कि वो प्रोडक्ट अपने बेच देते हैं सर्विस दिखाकर, उसके बाद सर्विस डिसकंटिन्यू करते हैं, वो चाहते हैं कि आपका नया प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि WD के नए प्रोडक्ट आए हैं NAS सेगमेंट में, जो आपको 22-23 हज़ार में स्टोरेज के साथ आपको NAS प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें शायद वो रेडी क्लाउड की फीचर होगी, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मेरा बहुत मूड खराब था पहले से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने सिनोलॉजी ब्रांड यूज़ किया, क्योंकि ये शुरू से ही जब से आए हैं, जब से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और कभी उन्होंने डिसकंटिन्यूड कोई सर्विस करी नहीं है, अगर कोई करी है तो उसके अगेंस्ट ये नई सर्विस लेकर आए हैं। और इनका काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे इनकी अलग अलग एप्लीकेशन है जिसको आप विदाउट मतलब लोकली कनेक्ट हुए बिना भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ऐसे केस था कि मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे या कभी कुछ ऐसी फाइल्स होती थी जो मैं एक्सेस करना चाहता था, तो वो मैं अपने करंट सेटअप के साथ नहीं कर पा रहा था, तो सिनोलॉजी ने मेरे को एक वे प्रोवाइड किया कि अब मैं लॉगिन कर मैं उधर से एक्सेस कर लेता हूँ, और डाउनलोड स्पीड वही आती है जो आपके 5G कनेक्शन या 4G कनेक्शन में रहती है। तो ये एक मेरा परचेस करने का मेन रीज़न था। और बाकी फीचर डिस्कस कर लेते हैं, सिनोलॉजी हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सिनोलॉजी मोस्टली उसके पास है आपका एक तो वीडियो स्टेशन है, जिसमें आप वीडियो डाल सकते हो, जो एज ए मीडिया सेंटर आप एक्सेस भी कर सकते हो। फायर स्टिक पे वो सपोर्ट नहीं है, बट एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस पे और मोबाइल्स पे और मेरे ख्याल से PC पे भी एक एप्लीकेशन हो गई जिसको आप यूज़ कर सकते हो।
बाकी फोटोज है, फोटोज काफ़ी चीज़ मेरे को सही लगी थी। मैंने फोटो प्रिज्म भी यूज़ किया था, उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर कोई चाहता है तो। बट मेरे को ये इसका काफ़ी सही लगा फोटो स्टेशन। इसमें आप वो इसका जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड जो प्रोवाइड कर रहे हैं। और प्लस इसमें काफ़ी फीचर है, जैसे आप एल्बम शेयर कर सकते हो, आप एक डायनामिक एल्बम बना सकते हो, उस डायनामिक एल्बम को आप शेयर कर सकते हो। और आप उसको जब आप शेयर करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है स्लाइड शो देखने के लिए। तो मतलब अगर मेरे को ऐसी कोई डायनामिक लड़ी जैसे जिसमें खाली मैं हूँ या कोई और है, तो इस तरह के फिल्टर लगाकर मैं एक डायनामिक एल्बम बना सकता हूँ और उसको मैं एज ए स्लाइड शो प्ले कर सकता हूँ किसी भी डिवाइस पे। तो मेरा एक लैपटॉप है तो उसमें मैं ये स्लाइड शो चलाने की सोच रहा था, तो हर बार मेरे को अलग से एल्बम का एक बनानी पड़ती थी, पर डायनामिक करके ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो ये फोटो हो गया। ऑडियो स्टेशन में आप ऑडियो मेंटेन कर सकते हो, उसमें टैग लगा सकते हो। फोटोज़ में भी सेम ऑप्शन है कि आप सर्च टैग्स यूज़ कर सकते हो कि जैसे आप कहाँ गए थे कहाँ नहीं। तो इस तरह के फीचर्स ये प्रोवाइड करता है कि इसमें ड्राइव करके एक और एप्लीकेशन है जिसमें आप एक्चुअली फाइल में टैगिंग कर सकते हो। तो जैसे कई बार होता है कि आपको एक मेंटेन करते हैं, मान लो जैसे आपके बिल्स हैं जो आपको मेंटेन करने हैं कि भाई इस दिन आए थे, या पेमेंट रिसिप्ट्स हैं, हाउस टैक्स रिसिप्ट्स हैं। तो इस तरह के अगर आपको एक फ़िल्टर करना हो तो आप इसमें टैग डाल सकते हो कि भाई हाउस टैक्स फॉर 2024-23। तो इस तरह के आप कर सकते हो, जो नेटगियर के राउटर में जो ऑप्शन थे वो उसमें अवेलेबल नहीं है। बट जो दूसरी ड्राइव्स हैं उसमें एक्चुअली होगा, बट थोड़ा कन्फिगरेबल नहीं होगा इतना, क्योंकि वो ओपन सोर्स हैं तो लोग कहेंगे कि आप उधर से डाउनलोड कर लो और आप यूज़ कर लो। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसकी जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करती हैं। मैं बार बार आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस कंट्रोल पैनल में जाना है, पैकेजेस ढूंढने हैं और आपको जो इंस्टॉल कर देना है। बाकी ये अपने आप ही यूआरएल क्रिएट करता है, आप उस पर क्लिक करो, इनका एक कंट्रोल पैनल टाइप आता है, उस पर आप क्लिक करो जैसे डेस्कटॉप होता है उसी टाइप पे, फिर वो एक अलग लिंक पे ले जाता है और आपको उसमें बस लॉगिन वॉगिन करना होता है और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर्स है जिसके लिए मेरे को सिनोलॉजी पे ही जाना पड़ा, कोई और ऑप्शन मेरे पास बचा ही नहीं। अब ये तो हो गई ऐप्स की बात, अब कर लेते हैं कि सिनोलॉजी इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, मतलब क्या रीज़न है इसका। रीज़न है कि इसकी कंसिस्टेंसी, जो इन्होंने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन रखी है अपनी सिनोलॉजी चलाने के लिए, वो इस वजह से ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। क्योंकि ये पहले ही सिनोलॉजी के जो बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप जब भी सिनोलॉजी के बोर्ड देखोगे वो आपको कॉस्ट करेंगे नॉर्मल पीसी से ज़्यादा। रीज़न क्या है कि जैसे आपके मोबाइल के मदरबोर्ड होते हैं वो 24 घंटे चल जाते हैं और कभी कुछ इतने गर्म भी नहीं होते अगर आप कोई हाई इंटेंसिव टास्क ना करो। तो सिमिलरली इनके भी बोर्ड इसी तरह से बने होते हैं, तो इसलिए काफ़ी चलते हैं, 24/7 चलने के लिए ही बने होते हैं ये। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो हार्ड डिस्क इसमें कहते हैं अटैच होएंगी, वो भी एंटरप्राइज लेवल की कहते हैं, डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशन देकर, क्योंकि ये टेस्ट करते हैं एक्चुअली थर्ड पार्टी से कि हार्ड डिस्क जो उनसे आपने लॉन्च करी है हम उसको टेस्ट करेंगे क्या ये इतनी काबिल है। तो जैसे सीगेट की आयरन वॉल्फ प्रो या आयरन वॉल्फ और WD की RD+ सीरीज की ही ये सपोर्ट करते हैं, जो 4-5 हज़ार महंगी आती है एक्चुअल डेस्कटॉप के कंपैरिजन में। तो ये इस तरह के मतलब हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन लगाकर कॉन्स्टेंट कर ये एक्चुअली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहे। तो ये एक बेसिक रीज़न है सिनोलॉजी का पॉपुलर होने का और वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, क्योंकि जो उन्होंने ऐप में जो इनकी एक टीम है जो ऐप कॉन्सिस्टेंटली डेवलप करती रहती है और टेस्ट करती रहती है, जो कि ये जो सपोर्ट है वो आपको और किसी NAS में नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी रीजंस हैं इसके। और बाकी इसमें और भी इंट्यूटिव ऐप्स हैं, जैसे कोलेबरेटिंग ऐप्स मैंने देखा कि जिसमें डॉक्यूमेंट, इनका अपना एक डॉक्यूमेंट है तो वर्ड वर्ड नहीं है, इनका एक लाइनक्स बेस एक अलग ही इन्होंने डेवलप करा हुआ है, MS Word वगैरह, जिसमें आप कोलेबोरेशन कर सकते हो। आप लिंक प्रोवाइड करो किसी और को, वहाँ पे वो कुछ टाइप करेगा, जैसे आपने गूगल डॉक्स में भी देखा होगा अपने कोलेबोरेशन में काम कराओ तो आपको दिखेगा कि कौन सी कमेंट है कौन सी नहीं है। बट मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें ही रखूँगा, तो मैं अपने लिए एक्सेस करना चाहता हूँ। बट एक ये ऑप्शन है, जैसे आपके कोई कज़न है या कोई रिश्तेदार है जिनको आप एक्सेस कर देना चाहते हो, तो ये एक ऑप्शन और है। और जो एक जो लास्ट बात मैं कहूँगा कि जो इसका फोटो वाला जो ऐप है वो बहुत ही सही है, जैसे मैंने बताया स्लाइड शो वगैरह। वो मैंने फोटो प्रिज्म भी यूज़ करा था, फोटो प्रिज्म मैंने डॉकर के थ्रू यूज़ किया था और काफ़ी, अगर आप यूज़ करोगे कि सिनोलॉजी फोटोज़ वर्सेस, तो फोटो प्रिज्म के ही काफ़ी रिजल्ट आएंगे क्योंकि काफ़ी सिमिलर सी ऐप है दोनों। बट उसमें क्या है कि फोटो प्रिज्म में कि जो फेस डिटेक्शन है बहुत ही मतलब स्लो है, मतलब कई कई दिन लग जाते थे उसमें, मतलब 10 इवन 10 GB की फोटोज़ स्कैन करने में।
बट सिनोलॉजी काफ़ी फास्ट है, मतलब विद इन आई थिंक 16 to 18 आवर्स ये 10 GB की भी फोटो स्कैन कर लेता है, उस पर आप टैगिंग कर सकते हो। मेरा जो यूज़ केस था वही था कि फोटोज़ की कलेक्शन हो, उसमें फेस टैग हो जाए ताकि मैं देख सकूं कि कौन सी फ़ोटो कहाँ है, और उसके ऊपर मैं फिल्टर लगा सकूं कि मेरे को ये और ये, मतलब मैं जैसे या मेरी मॉम या मेरे फादर या तीनों की फ़ोटो, या मेरा कोई कज़न है उसकी फ़ोटो, या मेरा कोई दोस्त है, तो उस तरह से मैं डायनेमिक एल्बम क्रिएट कर सकूं और उसका स्लाइड शो बना सकूं। तो ये सारी फीचर्स सिनोलॉजी ने प्रोवाइड करी, तो ये बहुत मतलब बहुत इंट्यूटिव और मतलब ब्रेक थ्रू फीचर है मेरे लिए। तो इस इन कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी आगे चल रहे हैं तो ये सिनोलॉजी काफ़ी पॉपुलर है। और बाकी अगर आप बात करें तो सिनोलॉजी की जो और हैं, जो मतलब सिनोलॉजी एक्चुअली जो और काम कर रहे हैं एनएस के अलावा, है कि ये डॉकर सपोर्ट देते हैं। अभी पुराने वर्जन्स में जो मैंने मॉडल किया उसमें कंटेनर मैनेजर है जो एक वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक जैसे जो छोटे पीसी में कर सकते हो कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर उसको एक्सपोज करवा सकते हो। जैसे मान लो माई सिक्वल आपको प्रोवाइड करवाना है, मतलब एक छोटी सी एप्लीकेशन होगी आपके माई सिक्वल की जो आप ऑलवेज रन करवाना चाहते हो, तो एनएस क्योंकि हमेशा रन करती रहती है और इट हैज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स बेस है, तो इसमें आप एक माई सिक्वल का कोई कंटेनर अगर अवेलेबल होगा तो आप उसको इंस्टॉल कर कर उसको कन्फिगर कर कर आप एक्सपोज करवा सकते हो थ्रू ए यूआरएल, और वो यूआरएल आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन में। ये काफ़ी एडवांस यूजर टाइप कंसेप्ट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, बट मेरे पास एक डिफरेंट पीसी है, उसकी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें रिसोर्स इंटेंसिव काफ़ी था मेरे लिए, और इसमें क्योंकि 1 GB RAM ही है तो मैं इसमें ज़्यादा मैं उसको पुश नहीं करना चाहता था इस चीज़ के लिए। बट ये एक ऑप्शन है जो वर्चुअलाइजेशन का, जो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जैसे होम असिस्टेंट भी अब जो नए, इस मेरे ख्याल से 1 GB मॉडल में तो पॉसिबल नहीं है, बट होम असिस्टेंट भी लोग सिनोलॉजी में एक्सेस करवा रहे हैं, उसको यूज़ करवा रहे हैं। अगर R&D के लिए आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑल द टाइम चलती रहती है, और होम असिस्टेंट भी एक वर्चुअलाइजेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो एक URL एक्सपोज करता है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट की क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? ये वैल्यू फॉर मनी है अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें आप अपने घर से बाहर एक्सेस करना चाहते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फ़ोटो सर्च करनी हो बहुत अच्छे इंटरफेस के थ्रू, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मीडिया सेंटर बनाना चाहते हो जिसमें आप अगेन सर्च कैपेबिलिटीज़ हो, या आप ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो जिसमें आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो मोबाइल में और उसके थ्रू लोकली आप इसको देखो, अगर आपकी सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी फाइल्स आप बस नेटवर्क पे डालना चाहते हो और आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके काफ़ी अदर ऑप्शंस भी हैं। कोई भी राउटर उठा लो जिसमें USB का सपोर्ट हो, तो वो आपको हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर देगा। राउ नेटगियर का ले लें, नेटगियर के मैंने यूज़ करे हैं लोकली, अभी भी चल रहा है, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए इस बात को, और अभी भी मैंने उसमें 5 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है, बट वो मॉडल बंद हो चुका है। बट नए मॉडल्स में शायद 5 TB तक का ऑप्शन ना हो तो 2-3 TB या 2 TB तक भी चल जाता था, बट इस तरह की ऑप्शन है तो आप कर सकते हो। बस सिनोलॉजी का मेनली सेलिंग पॉइंट वही था, एक तो फोटो स्लाइड शो और दूसरा आपका जो है कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस इट एनी फ्रॉम एनीवेयर। तो ये दो मेरे मेन ब्रेक थ्रू जैसे बोलते हैं सेलिंग परचेज पॉइंट कह सकते हो कि मैंने इस वजह से ये प्रोवाइड किया। अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मेरा पुराना जो सेटअप है लोकली वो भी मैं कर सकता था। बाकी इसमें बैकअप के भी अच्छे सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी वैरायटीज ऑफ सॉल्यूशन है। बाकी इसकी डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा, बट शायद इंग्लिश में ही बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी ईज ऑफ यूज़ नहीं दिखा रखा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बना रखे हैं, तो उसके लिए हम करेंगे। बाकी आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हूँ, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो सिनोलॉजी से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अब तो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।